हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मेरे पास देख सकते हो बजट प्राइस रेंज का गेमिंग बीस्ट पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन है। मैं पिछले 3 महीने से इस स्मार्टफोन के यूज कर रहा हूँ और 3 महीने का जो मेरा पर्सनल गेमिंग एक्सपीरियंस है आज मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगा। मतलब बोल सकते हो एक लॉन्ग टर्म गेमिंग रिव्यू आज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। और ये 3 महीना फोन के ऊपर मैक्स ग्राफिक्स के साथ फ्री फायर गेम को खेलने से मेरे को क्या क्या प्रोस और क्या क्या कॉन्स देखने के लिए मिला है, उन चीजों के बारे में भी आप लोगों को सारे जानकारी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हो या अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो भाई लोग, अभी इस स्मार्टफोन के ऊपर मैक्स ग्राफिक्स के साथ क्लैश स्क्वाड और फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले देख लो, उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ क्लियर करके आप लोगों को बोलता हूँ। तो अभी गाइस देख सकते हो हमारा पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर फ्री फायर मैक्स गेम ओपन हो गया है और यहाँ पर मैं वाईफाई के थ्रू गेम प्ले कर रहा हूँ। तो गेम ओपन होने के बाद अभी ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेटिंग्स के बाद जाने के बाद सेंसिटिविटी देख सकते हो, जनरल सेंसिटिविटी 100, रेड डॉट मेरा 95 है। और ग्राफिक्स की बात करें तो मैं पिछले 3 महीने से मैक्स के ऊपर ही खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैक्स ही सेट है, हाई एफपीएस कलर फिल्टर सेट और सब कुछ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सेट करके रखा। सो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर कुछ CS और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले देखते, उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में आप लोगों को सारे जानकारी मिल जाएगा। तो गाइस आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर CS मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया, अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले को देखते हैं। To smoke when the fire is fierce. Oh, it's so
ऑल राइट गाइस, आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सीएस और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख ही लिया। अभी चलो गेम रिलेटेड इस स्मार्टफोन के अंदर प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, ये अंडर 12,000 की सबसे पावरफुल चिपसेट में से एक है। क्योंकि पहला तो ये चिपसेट 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है और दूसरा है इस चिपसेट का एंटीटो बेंचमार्क स्कोर 4,30,000 के ऊपर। और अंडर 12,000 पर 4,30,000 के ऊपर एंटीटो बेंचमार्क स्कोर, मतलब सोच सकते हो पावर कूट कूट कर भरा है इस चिपसेट के अंदर। बट इतना पावरफुल प्रोसेसर होने के बाद भी पोको ने यहाँ पर बहुत बढ़िया ऑप्टिमाइज नहीं किया है। ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से यहाँ पर आप लोगों को कभी कभी मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप्स और फुल मैप रैंक मैच के अंदर तो लैग भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो पोको ने अगर यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देगा तो मेरे हिसाब से लैग और फ्रेम ड्रॉप से ही हो सकता है। नेक्स्ट सेंसिटिविटी की बात करें तो गेम के अंदर सेंसिटिविटी को लेकर मेरे को कुछ भी इशू नहीं है, क्योंकि एक तो 90 Hz पैनल और दूसरा है 240 Hz टच सैंपलिंग रेट, और इन दोनों चीज का कॉम्बिनेशन की वजह से मेरे हिसाब से आप लोगों को भी सेंसिटिविटी को लेकर कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर 5000mAh का एक मैसिव बैटरी है, उसके साथ बॉक्स के अंदर 22.5W का चार्जर मिल जाएगा, बट फोन सिर्फ 18W चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। तो गाइस यहाँ पर 5000mAh बैटरी प्लस 4 नैनोमीटर चिपसेट होने की वजह से बैटरी को लेकर आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा। बट यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है 18W, इसको पोको 33W कर सकता था, क्योंकि 10 to 12,000 पर बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड अभी 33W चार्जर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर रियर साइड के ऊपर 50MP का मेन सेंसर है जो डेलाइट कंडीशन में ठीक ठाक पिक्चर कैप्चर कर लेगा। डिटेल शार्पनेस आप लोगों को एवरेज मिल जाएगा प्राइस रेंज के हिसाब से। उसके साथ फ्रंट कैमरा इस स्मार्टफोन का 8MP का, तो 8MP थोड़ा सा कम है, तो सेंसर यहाँ पर 13MP तो देना ही चाहिए था। और फ्रंट कैमरा का पिक्चर क्वालिटी भी प्राइस रेंज के हिसाब से आप लोगों को एवरेज मिल जाएगा। इसके लिए स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक, सिंगल स्पीकर, डुअल स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए था, क्योंकि गेमिंग के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर का मजा ही कुछ और होता है। इसके अलावा ग्लास बैक पैनल जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, डुअल 5G का सपोर्ट, और क्या चाहिए। तो गाइस ये था पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन का कुछ प्रोज और कॉन्स और कुछ फ्री फायर गेम प्ले। अभी आते हैं कंक्लूजन पर कि इस स्मार्टफोन को 12,000 प्राइस रेंज पर आप लोगों को लेना चाहिए क्या नहीं गेमिंग के लिए। तो भाई लोग देखो, 12,000 की सबसे फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है और 12,000 पर जोर सा स्मार्टफोन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, उससे तो मेरे को पोको M6 Pro का गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर ही लगा है। इसलिए आप लोग आग बंद करके पोको M6 Pro की तरफ जा सकते हो अगर पोको ब्रांड आप लोगों को पसंद है तब। इसके अलावा आप लोग नाजो 60X या Realme 11X की तरफ भी जा सकते हो, जिन दोनों स्मार्टफोन का गेम प्ले भी मेरे को बढ़िया ही लगा है।